कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 से 18 साल के किशोर व किशोरियों के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ने एक बार फिर बाजी मारी है। 3 जनवरी से चलाए गए इस अभियान में महज 2 माह के भीतर ही स्वास्थ्य विभाग ने जिला के 15 से 18 आयु वर्ग के पात्र 21,185 किशोर व किशोरियों को कोवैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने मीडिया को दी। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि 3 जनवरी को शिक्षा विभाग की ओर से 15 से 18 आयु वर्ग के 20,850 पात्र किशोर व किशोरियों का डाटा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया गया था, जिसे पूरा करते हुए 10 दिनों के भीतर ही 21,185 पात्र किशोर व किशोरियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई थी। वहीं इन सभी ने 28 दिनों का समय पूरा किया और अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन सभी को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है और प्रदेश का पहला जिला बनकर सामने आया। ये कोविड की थर्ड वेव आने वाली थी तो उस समय ये फैसला किया था कि 15 साल से लेकर 18 साल का आयु वर्ग के जो बच्चे हैं सबको कोविड वैक्सीन लगाई जाए। तो इसी कड़ी के तहत गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन जो हमारी वैक्सीन है उसको अप्रूव किया था कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को लगाई जाए। 3 जनवरी 2022 को हमने इन बच्चों को ये वैक्सीन लगानी शुरू की थी और उस समय जो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टारगेट दिया गया था वो 20,850 का था और गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि विद इन 10 डेज या 10 दिनों के अंदर अंदर अपना ये जो टारगेट है वो अचीव कर लीजिए। तो हमने 10 दिनों के अंदर अंदर ही 21,181 बच्चों को ये कोवैक्सीन है जो 15 से 18 साल के बच्चों को दी थी 21,181। तो इसको जो पूरा करना था तो वो तो हमने कर दिया था विद इन 10 डेज। अब ये बच्चे सारे एलिजिबल थे, 28 दिन के बाद इनको सेकंड डोज लगनी थी तो अब हमने ये फिगर है वो भी अचीव कर ली है। तो 21,181 बच्चों को हमने सेकंड डोज भी लगा दी है। तो इस तरीके से हमने जो टारगेट अचीव किया था वो हमने दूसरी डोज भी 100% अचीव कर ली है। लेकिन अब नए नए बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं और भी अब ये डोजेज तो कंटिन्यू रहेंगी। अगर कोई बच्चा आज की डेट में भी 14 साल का होता है तो उसको भी हम ये डोज लगाते रहेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 3 जनवरी को जब ये वैक्सीन का ये अभियान शुरू हुआ था तो उस समय जो हमने टारगेट जो अचीव किया था उसकी हमने 100% कवरेज कर ली है और ये बिलासपुर ज़िला के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सारे बच्चे अब सेफ हैं, सुरक्षित। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।